नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल UPS विद्राश्री पारिक पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम करेंगे NCERT का क्लासिक्स जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है और कंट्री इंडिया, भारत माता की जय। चलिए इसी चैप्टर के साथ में अपना आगे पढ़ना शुरू करते हैं, चैप्टर की हेडिंग के साथ में। लेट्स स्टार्ट। India is a country of vast geographical expanse. In the north, it is bound by the lofty Himalayas, the Arabian Sea in the west, and the Bay of Bengal in the east, and the Indian Ocean in the south, wash the shores of the Indian Peninsula. Okay, इस पैराग्राफ के अंदर ये कह रहा है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसके अंदर वास्ट जियोग्राफिकल एक्सपेंस, यानी कि बहुत बड़ा और टाइप के जियोग्राफिक कल एरियाज़ हैं, जियोग्राफिकल चीज़ें हैं डिफरेंट। इन द नॉर्थ, कि उत्तर के अंदर, नॉर्थ साइड के अंदर क्या है, हिमालय है। वेस्ट के अंदर यानी कि पश्चिम के अंदर अरेबियन सी है। और ईस्ट के अंदर यानी पूर्व के अंदर क्या है, बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी। और द इंडियन ओशन इन द साउथ, और साउथ यानी दक्षिण के अंदर क्या है, इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर। वॉश द शोर्स ऑफ द इंडियन पेनिनसुला, पेनिनसुला क्या कहते हैं, पेनिनसुला वैसे लैंड एरिया को कहते हैं जो कि थ्री साइड से पानी से घिरा होता है। तो ये जो इंडिया है वो एक पेनिनसुला है। आप देखेंगे कि सिर्फ नॉर्थ से ही वो लैंड से घिरा हुआ है, बाकी वो सभी डायरेक्शन से वो वाटर से घिरा हुआ है। यहाँ से लेके यहाँ तक वाटर पे, और इतने पे लैंड है। इतने एरिया के अंदर से 7 कंट्रीज टच कर देती हैं। देखिए, द पेनिनसुला इज अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स, कि थ्री साइड्स में वाटर से घिरा हुआ जो एरिया होता है उसे क्या कहते हैं, पेनिनसुला। ये देखिए, अभी इसके अंदर ये डायग्राम देखिए, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये पानी से घिरा हुआ है, और सिर्फ ऊपर ये किससे घिरा हुआ है, लैंड से। तो देखिए, इसे 7 कंट्रीज टच कर रही है। कौन कौन सी है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। ओके, अगेन पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, म्यांमार, नेपाल एंड बांग्लादेश। ABC PNM। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपने। इंडिया हैज़ एन एरिया अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। एरिया, जैसे आपको पता है, एरिया अपने कैसे लिखते हैं, स्क्वायर किलोमीटर के अंदर लिखते हैं, यानी कि किलोमीटर के ऊपर ऐसे स्क्वायर, या फिर कोई भी डायमेंशन होती है उसके ऊपर स्क्वायर करके लिखते हैं। तो वही इसके अंदर कहा है कि इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 3.8 स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का एरिया लगभग कितना है, 3.8 स्क्वायर किलोमीटर की जितना है। द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी इज़ अबाउट 3,200 किलोमीटर। कि इंडिया का नॉर्थ पॉइंट से लेके जो साउथ पॉइंट है, यानी कि नॉर्थ पॉइंट कौन सा है, कश्मीर, और साउथ पॉइंट कौन सा है, कन्याकुमारी, वहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 3,200 किलोमीटर। जैसे ये नॉर्थ पॉइंट, ये साउथ पॉइंट, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 3,200 किलोमीटर। एंड द वेस्ट एक्सटेंड फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ। कच्छ कहाँ पर है, कच्छ है प्रेजेंट टाइम के अंदर गुजरात के अंदर। ओके, तो गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, ये जो इसका ईस्ट वेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2,900 किलोमीटर्स है। ओके, अगेन नॉर्थ में है कश्मीर, साउथ में है कन्याकुमारी, तो यहाँ पर कितना है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, 3,200 किलोमीटर। और ईस्ट वेस्ट के अंदर कितना डिस्टेंस है, 2,900 किलोमीटर। नेक्स्ट इज द लोफ्टी माउंटेन्स, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द अनइवन प्लेट्यू सरफेस एंड द कोस्ट एंड आइलैंड्स प्रेजेंट अ डाइवर्सिटी ऑफ लैंडफॉर्म। कि इंडिया के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं, माउंटेन है हिमालय माउंटेन, नॉर्थ में ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर है, जिसे उस डेजर्ट का नाम क्या है, थार डेजर्ट। एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्थ के अंदर क्या है, प्लेन्स भी है,
मतलब मैदानी भूमि भी है एंड द अनइवन प्लेट्यू सरफेस, और प्लेट्यू भी है इंडिया के अंदर, अपनों ने पढ़ा था पिछले चैप्टर के अंदर डेक्कन प्लेट्यू, एंड द कोस्ट यानी कि ये समुद्र है, और यहाँ पर जो ये सब क्या है, यहाँ पर कोस्ट है, एंड द आइलैंड प्रेजेंट अ डाइवर्सिटी ऑफ लैंडफॉर्म, कि इसके कई आइलैंड्स भी है जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड, इस टाइप के काफ़ी सारे आइलैंड भी हैं, वो क्या दिखाते हैं, डाइवर्सिटी ऑफ लैंडफॉर्म्स दिखाते हैं। देयर इज अ ग्रेट वेराइटी इन द क्लाइमेट वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ एज वेल एज द लैंग्वेज एंड कल्चर, कि यहाँ पर इंडिया के अंदर क्या है, बहुत टाइप्स हैं किस किस के क्लाइमेट के, यानी कि किस टाइप का, अगर आपको मैं समझाऊँ तो अपने कह सकते हैं एनवायरनमेंट, कि कहीं पे बहुत ठंड है, कहीं पे बहुत गर्मी है, कहीं पे ह्यूमिडिटी है, और कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश है, तो ऐसे काफ़ी टाइप के क्लाइमेट है इंडिया के अंदर, काफ़ी टाइप के वेजिटेशन है, कि कहीं पे तो पूरा ही ड्राई है, कहीं पे आधा ड्राई है और आधे में रेनफॉल होती है, कहीं पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, ठीक है। तो ऐसे टाइप के वेजिटेशन होंगे, वाइल्ड लाइफ की जैसे इधर जो जगह गीली होती है वहाँ पे काफ़ी टाइप्स के बहुत अलग अलग पक्षी वगैरह मिल जाते हैं, तो इस टाइप से इसने बोला है वाइल्ड लाइफ भी बहुत टाइप की है, और कल्चर तो बहुत टाइप के हैं, कि राजस्थान का अलग कल्चर, गुजरात का अलग, हरियाणा पंजाब का अलग, तो इस तरह से बहुत सारे कल्चर भी हैं। इन दिस डाइवर्सिटी वी फाइंड यूनिटी दैट इज़ रिफ्लेक्टेड इन ट्रेडिशन दैट बाइंड अस एज वन नेशन, कि इतनी सारे डाइवर्सिटीज़ के अंदर, इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के अंदर भी क्या है, फिर भी हम क्या हैं, एक यूनिटी के अंदर हैं, सब भी एक साथ में हैं, और ये किससे पता लगता है, इन सभी के ट्रेडिशन से जो कि अपनों सभी को बांध कर क्या बनाती है, एक नेशन बनाती है। इंडिया हैज़ ए पॉपुलेशन मोर देन 120 करोड़ सिंस द ईयर 2011, कि 2011 तक इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी, 120 करोड़, कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया की, है ना। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, तो वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री कौन सी है, चाइना, और इन फिर सेकेंड नंबर पे कौन सी है, वो है कौन सा, इंडिया। देन नेक्स्ट, डू यू नो लास्ट कंट्रीज विच स्ट्रेच एक्सटेंसिवली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डू नॉट हैव अ सिंगल स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री, द यू एस ए एंड द कनाडा हैज 7 and 6 टाइम जोन्स रिस्पेक्टिवली, डू यू रिमेंबर हाउ मैनी टाइम जोन्स आर देयर इन रशिया। सेकेंड चैप्टर के अंदर अपने आया था लैटिट्यूड्स और लेंथीट्यूड्स के बारे लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, तो उसके अंदर अपनों को रशिया के अंदर ये बताया गया था कि 11 टाइम्स जोन्स हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, 11, रशिया के अंदर 11 टाइम्स जोन है। अब आगे किसी चैप्टर में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि यूएसए और कनाडा के अंदर कितने कितने स्टैंडर्ड टाइम जोन्स हैं, तो यूएसए में तो है 7 और कनाडा में है 6 टाइम्स जोन। अब बात आई है लोकेशनल सेटिंग्स की, इंडिया इज़ लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, कि अर्थ है, जब अपने अर्थ को बांट देंगे ना, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और जस्ट वेट, ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कि इंडिया का जो राजस्थान और ऐसे गुजरात टाइप का जो एरिया, मतलब गुजरात से राजस्थान से ये काफ़ी सारी जगह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है, तो ये नॉर्दर्न हो गया ना, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 degrees 30 minutes नॉर्थ पासिस ऑलमोस्ट हाफ ऑफ वे थ्रू द कंट्री फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 8 degrees 4 minutes एंड 37 degrees 6 minutes नॉर्थ लैटिट्यूड्स, कि जो नॉर्थ लैटिट्यूड्स हैं, लैटिट्यूड्स कौन से होते हैं, जो इक्वेटर के पैरेलल होते हैं, है ना। तो इसने क्या बोला है कि जो इंडिया है वो नॉर्थ, कि जो साउथ से लेके नॉर्थ तक का जो एरिया है वो लगभग किस किस के बीच में, किन लेटिट्यूड्स के बीच में है, 8 degrees 4 minutes नॉर्थ टू 37 degrees 6 minutes नॉर्थ से लेटिट्यूड में, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 68 degrees 7 minute ईस्ट एंड 97 degrees 25 minute ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स में। तो ये बात आपको याद रखनी है कि साउथ से नॉर्थ के अंदर कहाँ से कहाँ पर है, 8 degrees 4 minute टू 37 degrees 6 minutes तक, और वेस्ट टू ईस्ट तक वो है 68 degrees 7 minute ईस्ट टू
degree 25 minutes is longitude पे. If we divide the world into eastern and western hemisphere, which hemisphere would India belong to? कि अगर अपने world को east और west hemisphere के अंदर बांटे तो India किस hemisphere के अंदर आएगा? ये world है, यहाँ पर India है. अगर अपने इसे north west कैसे, मतलब अगर हमने north साथ में बांटे तो ये आते हैं north के अंदर, है ना. और अगर east west में बांटे तो ये इस direction में आ रहा है. ड्यू टू ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड ऑफ अबाउट 29 degrees. तो अभी ऊपर अपने को दिखाया था लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड इसका कितना है, 68 degrees 7 minutes टू 97 degrees 25 minutes. अपने मेनली लेते हैं इसे 69 degree और इसे 97 degree. तो अपने अगर इसे देखें तो ये लगभग 68 ही ले लेते हैं, तो ये लगभग आता है 29 degrees ही आ रहा है. तो ये लगभग 29 degrees का एक्सटेंड है लॉन्गिट्यूड्स के अंदर. देयर वुड बी अ वाइड डिफरेंसेस इन लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस लोकेटेड एट टू एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया. कि जो नॉर्थ मोस्ट पॉइंट और साउथ मोस्ट पॉइंट है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो लोकल टाइम का डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा होगा. एज सच द डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट वुड बी अबाउट 2 hours. कि इन जो नॉर्थ साउथ पॉइंट्स है, एकदम एक्सट्रीम पॉइंट्स है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में लगभग 2 hours का डिफरेंस होगा. एज यू हैव लर्न अर्लियर द लोकल टाइम चेंजेस बाय 4 minutes फॉर एवरी 1 degree. अपनों ने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था कि 1 degree से जब 1 degree आगे होता है तो उसमें 4 minutes बढ़ते हैं, ठीक है. तो आप ऊपर मिनट्स देखिएगा कि डिग्री देखिएगा कि कितने डिग्री हो रहे हैं, उसके बाद में आप मिनट्स गिनना और मिनट से आप हार्ट्स निकालना. ओके, दिस इज़ योर होमवर्क एंड यू हैव टू डू इट. और आप मुझे कमेंट्स बॉक्स के अंदर इसका आंसर देंगे. द सन राइजेज अबाउट 2 hours अर्लियर इन द ईस्ट अरुणाचल प्रदेश देन इन द वेस्ट गुजरात. कि गुजरात कहाँ पर है, वेस्ट में है. अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर है, ईस्ट में है. ईस्ट यानी कि पूर्व में, है ना. तो अरुणाचल प्रदेश में गुजरात के कंपैरिजन से 2 hours पहले जो सन है वो राइज हो जाता है. यू हैव ऑलरेडी रीड अर्लियर वाई द लोकल टाइम ऑफ लॉन्गिट्यूड 82 degrees 30 minutes हैज़ बीन टेकन एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. दिस मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड इज ऑल्सो टर्म्ड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया. सेकेंड चैप्टर के अंदर मैंने अच्छे से आपको पढ़ाया था कि 82 degrees 30 minutes ईस्ट को ही इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्यों लिया. तो अगर आपको ये बात जाननी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर ये सेकेंड चैप्टर वाली वीडियो देख सकते हैं. अब है इंडियाज नेबर्स. देयर आर सेवन कंट्रीज दैट शेयर लैंड बाउंड्रीज विद इंडिया. मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था वीडियो की स्टार्टिंग के अंदर कि इंडिया को 7 countries टच करती है. और इसके अंदर ऐसे बोला है कि इंडिया के साथ में 7 countries ऐसे हैं जो अपना लैंड बाउंड्रीज को शेयर करती हैं. फाइंड आउट नेम ऑफ दीज कंट्रीज फ्रॉम फिगर 7.1. ये देखिए, ये फिगर दिया हुआ है. इसके अंदर मैं आपको अभी नेम्स लिख के बताती हूँ कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं. तो देखिए, इधर कश्मीर से लेके गुजरात तक टच कर रहा है पाकिस्तान. ओके, देन कश्मीर पे टच कर रहा है अफगानिस्तान. देन अगेन कश्मीर टू असम और मे बी अरुणाचल प्रदेश, ये टच कर रहा है चाइना. ओके, और इस एरिया पे टच कर रहा है भूटान. 7 sisters के पास में ये है, बाकी एक है बांग्लादेश एंड द लास्ट वन इज म्यांमार. ओके, अगेन पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार. इंडिया को सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री टच करती है वो करती है चाइना की, और जो सबसे कम बाउंड्री टच करती है वो करती है अफगानिस्तान की. अफगानिस्तान पूरा 100 kilometers भी इंडिया को टच नहीं करता है, अप्रोक्स 80 kilometers टच करता है. अक्रॉस द सी टू द साउथ लाई और आइलैंड नेबर्स श्रीलंका एंड मालदीव्स. कि इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पर आपको श्रीलंका दिख रहा है
आपको मालदीव अभी मैं दिखा नहीं सकती, और दो इंडिया को आइलैंड्स भी ऐसे अपने कहे सी के वे से टच करते हैं जो पास पास में, वो कौन कौन से हैं, श्रीलंका है और मालदीव है। श्रीलंका इज़ अ सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय पाक स्ट्रेट। इंडिया और श्रीलंका को जो अलग करता है उसका नाम क्या है, पाक स्ट्रेट। ओके, अब बात आती है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पोजेज द कंट्री इज डिवाइडेड इंटू 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरेटरीज। कि इंडिया क्या है, एक बहुत बड़ा कंट्री है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए इसे 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरेटरीज के अंदर बांटा गया है। ऊपर मैप्स के अंदर आपको इस मैप के अंदर आपको इतना सही चेंज करना होगा कि यहाँ पर आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ है, तो आप इसमें से देख के 29 स्टेट्स लिख सकते हैं और 7 यूनियन टेरेटरीज भी। एल्यूवियल डिपॉजिट्स, दीज आर वेरी फाइन सॉइल्स बॉर्ड बाय रिवर्स एंड डिपॉजिटेड इन रिवर बेसिन्स। कि ये बहुत ही अच्छी, मतलब बहुत बारीक मिट्टी होती है जो कि रिवर क्या करती है, पहले आपकी पिछले चैप्टर के अंदर जब मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ था उसके अंदर से बताया था मैंने कि जब रिवर किसी भी ग्लेशियर से या फिर माउंटेन से बहकर निकलती है तो वहाँ से काफ़ी सारे रॉक्स टूट जाती हैं, उन वो रॉक्स जैसे जैसे नदी बहती है वैसे वैसे घिसती जाती है और छोटी होती रहती हैं और वो क्या बन जाती है, फाइन सॉइल बन जाती है। तो वैसे ही रिवर्स जब प्लेन लैंड्स पे आती है वो बहती है तो वो किनारों के ऊपर वैसे ही फाइन सॉइल्स को छोड़ जाती है। अब है ट्रिब्यूटरी, पिछले चैप्टर में ट्रिब्यूटरी नाम बहुत बार आया था। अ रिवर और स्ट्रीम विच कंट्रीब्यूट इट्स वाटर टू अ मेन रिवर बाय डिस्चार्जिंग इट इनटू मेन रिवर फ्रॉम आइदर साइड। कि एक ऐसी रिवर या फिर कोई ऐसा झरना अपने कुछ भी कह सकते हैं जो कि एक बहुत मेन रिवर है या कह सकते हैं बड़ी रिवर है या लंबी रिवर है, उसके अंदर खुद का पानी डालकर उसके साथ में बह जाती है, उसे क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरी कहते हैं। दिल्ली इज़ द नेशनल कैपिटल, इंडिया की कैपिटल क्या है, दिल्ली। द स्टेट्स हैव बीन फाउंड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। कि जो स्टेट्स है वो मेनली डिवाइड किए गए हैं लैंग्वेज के बेसिस पे। राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट एंड गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन द टर्म ऑफ एरिया। कि एरिया के अंदर अगर देखें तो राजस्थान सबसे बड़ा है और सबसे छोटा कौन सा है, गोवा है। राजस्थान का एरिया है 342,239 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, द स्टेट्स आर फर्दर डिवाइडेड इंटू डिस्ट्रिक्ट। स्टेट्स को भी क्या किया गया है, डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया है। अब अपने पढ़ते हैं फिजिकल डिविजन्स। इंडिया इज मार्क्ड बाय अ डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, कोस्ट एंड आइलैंड्स। कि इंडिया जो है एक ऐसी डाइवर्सिटीज माना गया है फिजिकल फीचर्स की, जैसे कि पहाड़ हो गए, पठार, मैदान, और अपने कह सकते हैं तट हो गए या फिर आइलैंड हो गए। स्टैंडिंग एज सेंटिनल्स इन द नॉर्थ आर द लोफ्टी स्नो कैप्ड हिमालय। हिम प्लस आल्या मीन्स द अबोर्ड ऑफ द स्नो। ये देखिए इसने कहा है कि नॉर्थ के अंदर बहुत सारी स्नो को अपने ऊपर लिए हुए कौन है, हिमालय। हिमालय दो वर्ड से बना हुआ है, हिम प्लस आल्या, तो ही मतलब होता है बर्फ़, आलय मीन्स होता है हाउस या होम। लेकिन वैसे अगर अपनी इंग्लिश में मीनिंग देखें हिम प्लस आलय का, तो इसका मीनिंग है द अबोर्ड ऑफ स्नो। द हिमालय माउंटेन्स आर डिवाइडेड इंटू 3 मेन पैरेलल रेंजेस। हिमालय को भी क्या किया, आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। द नॉर्थ माउंटेन्स का ग्रेट हिमालय और हिमाद्री, जो सबसे नॉर्थ के अंदर है वो उसका नाम क्या है, ग्रेट हिमालय और हिमाद्री। द वर्ल्ड हाइएस्ट पीक आर लोकेटेड इन दिस रेंज। कि वर्ल्ड की जो हाइएस्ट पीक है कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, और उसकी हाइट कितनी है, आप अभी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि इसकी हाइट कितनी है। मिडल हिमालय और हिमाचल लाइज टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री। कि जो मिडल हिमालय या फिर अपने कह सकते हैं हिमाचल है, वो हिमाद्री यानी कि ग्रेट हिमालय के साउथ के अंदर है। मैनी पॉपुलर हिल स्टेशन आर सिचुएटेड हेयर। और हिमाचल के अंदर क्या है, बहुत सारे पॉपुलर हिल स्टेशन जो है यहाँ पर लोकेटेड है। फाइंड आउट द 5 नेम ऑफ हिल स्टेशन।
और आप अभी मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर इन 5 हिल स्टेशन का भी नाम लिख के बताएंगे। द शिवालिक इज़ द साउथ थर्ड मोस्ट रेंज, कि सबसे ऊपर कौन सी है, हिमाद्री, देन हिमाचल और मिडल हिमालय, देन लास्ट मोस्ट इज शिवालिक। देन अगेन डू यू नो द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र फॉर्म द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा, द सुंदरबन डेल्टा। ये इंपॉर्टेंट है कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर है वो दोनों डेल्टा बनाते हैं, जो कि क्या वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है और उसका नाम क्या है, सुंदरबन डेल्टा। अब डेल्टा है क्या, आपके उन्होंने सवाल होगा, डेल्टा इज़ अ ट्रायंगुलर इन शेप। डेल्टा कैसा होता है, ट्रायंगुलर शेप में होता है। इट इज़ एन एरिया ऑफ लैंड फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ द रिवर वेयर रिवर सेंटर द सी, दैट पॉइंट इज कॉल्ड माउथ ऑफ द रिवर। कि इसने बोला माउथ ऑफ द रिवर क्या होता है, इसने बोला है कि डेल्टा कौन सा एरिया है जहाँ पर जो रिवर होती है वो समुद्र के अंदर जाती है। माउथ ऑफ द रिवर क्या है कि वो जगह जहाँ से रिवर क्या करती है, सी के अंदर एंटर करती है। अब पढ़ते हैं अपने नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स के बारे में। द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालय, कि हिमालय के साउथ के अंदर क्या है, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स। फिर से बताती हूँ, सबसे ऊपर है हिमाद्री, देन हिमाचल, एंड देट एट लास्ट इट्स शिवालिक। द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालय, दे आर जनरली लेवल एंड फ्लेट, कि जो प्लेन्स है वो सामान्यतः कैसे हैं, फ्लैट है, उनका लेवल ऑलमोस्ट जीरो है। दे आर फॉर्म्ड बाई एल्यूवियल डिपॉजिट लेड बाय ऑन द रिवर्स इंडस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र एंड द ट्रिब्यूटरीज। ऊपर अभी थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो के अंदर बताया था कि एल्यूवियल सॉइल क्या है, तो यहाँ पर उसी एल्यूवियल की बात की गई है कि जो ये नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स है वो बना है एल्यूवियल डिपॉजिट से, जो कि किस कौन सी रिवर से आती है एल्यूवियल डिपॉजिट्स, द इंडस रिवर, द गंगा रिवर, द ब्रह्मपुत्र रिवर एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। दिस रिवर प्लेन्स प्रोवाइड फर्टाइल लैंड फॉर कल्टिवेशन, कि ये जो रिवर प्लेन्स हैं ये क्या करते हैं, एक उपजाऊ भूमि देते हैं ताकि हम क्या कर सकें, उस पर कल्टिवेशन कर सके। दैट इज़ द रीज़न फॉर हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन दिस प्लेन्स, यही रीज़न है कि इन एरिया के अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, और वेस्टर्न पार्ट के अंदर क्या है, बहुत ग्रेट इंडियन डेजर्ट है जिसका नाम क्या है, थार डेजर्ट। इट इज़ अ ड्राई हॉट एंड सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड, इट हैज़ वेरी लिटिल वेजिटेशन, और यहाँ पर क्या है, बहुत कम वेजिटेशन है, ये बहुत गर्म सूखा और मिट्टी वाला रेतीले जगह है। फिर से बताती हूँ, इस ग्रेट इंडियन डेजर्ट का नाम क्या है, थार डेजर्ट। टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स लाई द पेनिनसुलर प्लेट्यू, और फिर जो नॉर्दर्न प्लेन्स है उनके साउथ के अंदर क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यू। इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप, और ये कैसा है, ट्रायंगुलर शेप के अंदर है, जैसे ये इंडिया है तो यहाँ पर ये क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है, और ये यहाँ पर इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप, द रिलीफ इज़ हाईली अनइवन, दिस इज़ अ रिवर विद न्यूमरस हिल रेंजेस एंड वैलीज, और ये एक ऐसा जगह है जहाँ पर बहुत सारी हिल रेंजेस हैं, बहुत सारी वैलीज हैं। अरावली हिल्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ द वर्ल्ड, बॉर्डर इट ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड, कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसके नॉर्थ वेस्ट साइड के अंदर क्या है, नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर के ऊपर क्या है, अरावली हिल्स हैं, जो कि क्या है, वर्ल्ड की ओल्डेस्ट हिल्स हैं। और ये मैंने बताया था कि इसका बहुत बड़ा पार्ट कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर है। सॉरी, द विंध्यास एंड द सतपुराज आर द इम्पोर्टेंट रेंजेस, कि जो विंध्या और सतपुराज हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रेंजेस हैं। द रिवर नर्मदा एंड तापी फ्लो थ्रू दीज रेंजेस, कि विंध्या और सतपुरा रेंजेस जो हैं यहाँ से नर्मदा और तापी रिवर फ्लो होती हैं। दीज आर द वेस्ट फ्लोइंग रिवर दैट ड्रेन इनटू अरेबियन सी, ये वो रिवर्स हैं जो अरेबियन सी या फिर अपने कह सकते हैं अरब के सागर में गिरती हैं। द वेस्टर्न घाट्स और सह्याद्रीज बॉर्डर द प्लेट्यू इन द वेस्ट एंड द ईस्टर्न घाट प्रोवाइड द ईस्टर्न बाउंड्रीज, कि इस पैराग्राफ के अंदर ये बोल रहे हैं कि जो वेस्टर्न घाट्स हैं जिन्हें अपने क्या कह देते हैं, सह्याद्रीज बॉर्डर कह देते हैं, सह्याद्रीज कह देते हैं, ये क्या करते हैं, इस प्लेट्यू जो पेनिनसुलर प्लेट्यू था वो वेस्ट
डायरेक्शन से, जैसे नॉर्थ वेस्ट के अंदर कौन था, पेनिनसुलर प्लेट्यू के यहाँ पर है अरावली हिल्स, यहाँ पर है सह्याद्री बॉर्डर यानी कि वेस्टर्न घाट वाले बॉर्डर जो कि अरेबियन सागर के पास वाला है घाट्स वो है, और ईस्टर्न और यहाँ पर क्या है ईस्टर्न घाट है। अब बात चल रही है वाइल द वेस्टर्न घाट्स आर ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस द ईस्टर्न घाट आर ब्रोकन एन अ रिवर, कि जो वेस्टर्न घाट है वो कंटिन्यूस है, वो कहीं पे ऐसे नहीं है कि यहाँ पर घाट है यहाँ नहीं है यहाँ है यहाँ नहीं है, लेकिन ईस्टर्न साइड पे ऐसा है वेस्टर्न साइड पे पूरा यूँ है तो है। द प्लेट्यू इज़ रिच इन मिनरल्स लाइक कोल एंड आयरन ओर, कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है यहाँ पर कोयला और लोहे की बहुत सारी ओर्स हैं। टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स लाइक द कोस्टल प्लेन्स, कि वेस्टर्न घाट के वेस्ट में और ईस्टर्न घाट के ईस्ट के अंदर क्या है कोस्टल प्लेन्स है। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो, कि जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है यानी कि वेस्टर्न घाट यानी कि कौन सा सह्याद्रीज जो हैं उनके जो वेस्ट के अंदर हैं प्लेन्स वो क्या है बहुत नैरो है, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है वो क्या है बहुत वाइड है। देयर आर अ नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, कि बहुत सारे ऐसे रिवर्स हैं जो ईस्ट की तरफ जाती है। द रिवर्स महानदी गोदावरी कृष्णा एंड कावेरी ड्रेन इन टू द बे ऑफ बंगाल, कि इंडिया है ये, यहाँ पर क्या है अरेबियन सी और यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल, तो यहाँ पर कौन कौन सी नदी जाती है महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी। ओके दीज रिवर्स हैव फॉर्म्ड फर्टाइल डेल्टा एज देयर माउथ, कि जहाँ जहाँ से ये रिवर्स का क्या करती है समुद्र में जाती है वहाँ वहाँ पर इन्होंने बहुत फर्टाइल डेल्टास बना दिए हैं। द सुंदरबन डेल्टा इज़ फॉर्म्ड वेयर द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल, कि जो सुंदरबन डेल्टा है वो वहाँ पर बना है जहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों बहकर कहाँ जाती है बे ऑफ बंगाल में जाती हैं। नेक्स्ट इज डू यू नो कोरल्स आर स्केलेटन्स, कोरल्स आर स्केलेटन्स ऑफ टाइनी मराइन एनिमल्स कॉल्ड पॉलिप्स, कि जो कोरल्स होते हैं वो क्या होते हैं स्केलेटन्स होते हैं यानी कि हड्डियों का ढांचा होता है किसका मराइन एनिमल्स यानी कि पानी में रहने वाले जीव्स का, किनका नाम किनका पॉलिप्स का। व्हेन द लिविंग पॉलिप्स डाइज देयर स्केलेटन्स आर लेफ्ट, उनका स्केलेटन बच जाता है। अदर पॉलिप्स ग्रो ऑन द टॉप ऑफ द हार्ड स्केलेटन विच ग्रो हायर एंड हायर दस फॉर्मिंग ऑफ कोरल आयरन्स, अब ऊपर कोरल आइलैंड दिखाया था ये रहा कोरल आइलैंड है ना। चलो अब आगे चलते हैं। टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ इंडिया, कि दो ऐसे आइलैंड हैं जो इंडिया के पार्ट हैं। लक्षद्वीप आइलैंड आर लोकेटेड इन अरेबियन सी, अरेबियन सी के अंदर क्या है लक्षद्वीप आइलैंड है जो कि इंडिया का है। दीज आर कोरल आइलैंड लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला, कि केरला के कोस्ट के पास में ही कौन से हैं ये कोरल आइलैंड है। लक्षद्वीप कैसा आइलैंड है कोरल आइलैंड है जहाँ पर क्या है कोरल्स हैं। द अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड लाई टू द साउथ ईस्ट ऑफ द इंडियन मेनलैंड इन द बे ऑफ बंगाल, कि जो इंडियन मेनलैंड है यानी कि जो इंडिया है उसके साउथ ईस्ट के अंदर कहाँ साउथ ईस्ट में है कौन अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल के अंदर। नेक्स्ट इज डू यू नो विच ग्रुप ऑफ आइलैंड वर अफेक्टेड बाई सुनामी इन 2004 के अंदर जब सुनामी आई थी तो जो अंडमान निकोबार आइलैंड है ऐसा कहा जाता है कि ये लगभग डूब गया था, आई एम नॉट श्योर कि अभी भी डूबा हुआ है क्या, तो आप ये सर्च करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फाइंड आउट थ्रू न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स एंड बाय स्पीकिंग टू पीपल हाउ इन डिफरेंट वेज पीपल फेस दिस चैलेंज व्हेन सुनामी स्ट्रक द इंडियन कोस्ट। सुनामी इज अ ह्यूज सी वेव जनरेटेड डू एन अर्थक्वेक ऑन सी फ्लोर, देखो जब धरती के ऊपर अर्थक्वेक आता है तो वैसे जमीन फट जाती है बिल्डिंग्स गिर जाती है इस टाइप का कुछ होता है अगर बहुत ही जाता है तो, लेकिन अगर समुद्र के अंदर अपने कहीं अर्थक्वेक आता है तो फिर वो क्या बन जाता है सुनामी बन जाता है। ओके दोस्तों इसी के साथ में आज अपना चैप्टर नंबर 7 पूरा हुआ जिसका नाम है ओवर कंट्री इंडिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही में मैंने जो भी आज आपको कही कि कमेंट सेक्शन में बताइए वो बताइएगा,
और ये एक्सरसाइज है, आप इसे पहले ट्राई कीजिए। अब सिर्फ एक चैप्टर बचा है 8 नंबर, जिसे करवाने के बाद मैं सभी चैप्टर्स के आंसर एक वीडियो के अंदर समझा भी दूंगी और दे भी दूंगी। तो ये है एक्सरसाइज। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त होती है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।